नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नव नियुक्त डिप्टी कमिश्नर संभाला पदभार नरेश खोसला, साजन खोसला। 2016 बैच के आईएएस अधिकारी अमित कुमार पांचाल ने आज यहां डिप्टी कमिश्नर का पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि जिलावासियों को समय पर पारदर्शी प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ पंजाब सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। जिला प्रबंध की कॉम्प्लेक्स में पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर से सलामी लेने के बाद पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमित कुमार पांचाल ने कहा, जिले में चल रही विभिन्न विकास प्रोजेक्टों की समय समय पर समीक्षा करने के अलावा इन कार्यों को तय सीमा के भीतर पूरा करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जमीनी स्तर पर पहुंचाकर इन योजनाओं को लाभ योग्य लाभार्थियों को दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी जनता की शिकायतों और समस्याओं का उचित और तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जिले में और सुधार लाने के लिए लोगों से पूर्ण सहयोग की मांग करते हुए जिला प्रशासन द्वारा उनकी तरफ से दिए सुझावों पर जरूर अमल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पांचाल ने अपने अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में कहा, जिले में स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहल तेज करने के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्णन योग्य है कि अमित कुमार पांचाल इससे पहले विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिनमें जालंधर एसडीएम, नकोदर, होशियारपुर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, लुधियाना में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, फाजिलका में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर और फागवाड़ा में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर शामिल है। ਕਪੂਰਥਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣੂ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਔਰ ਏ ਡੀ ਸੀ ਵੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ? ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਤੌਰ ਡੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਡੀ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ पूरी कोशिश करांगा कि सरकार वालों जो भी जनहित दी अते वेलफेयर दी जो स्कीम चलाई जा रही ने वो लोगों तक पहुँचन और नाल दी नाल जो उना दी इंप्लीमेंटेशन है वो सही तरीके नाल हो। नाल ही मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि सारियां नूं एक साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट ते करप्शन फ्री प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन मिले और लोगों के जो भी ग्रीवांसेस ने वो समय सिर हल हो। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਏ ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਗਵਾੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।